मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिनकी संख्या तो 10 होगी, लेकिन जो मैं क्लैरिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे से साथियों, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसको लिखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे से साथियों, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? प्यारे से दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने आप देख पा रहे हैं। पहला है मैग्नेटाइट, अगला लिग्नाइट, अगला है बॉक्साइट और लास्ट में दोस्तों लिखा हुआ है हेमेटाइट। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे से साथियों, वो होगा बॉक्साइट। प्यारे दोस्तों, बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, अगर हम बात बॉक्साइट की करें प्यारे से दोस्तों, इसका फार्मूला होता है Al2, प्यारे से दोस्तों Al2O3 पॉइंट माने मल्टीप्लाई का निशान 2H2O, कितना होता है 2H2O प्यारे दोस्तों। और ये जो बॉक्साइट की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यह मुख्य रूप से गिब्साइट, बोहाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप होता है। सबसे पहले बात अगर करें तो दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया था, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण है प्यारे से दोस्तों, वह मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, मन से पढ़ते जाइएगा। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साथियों, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सोना, शीशा, एल्यूमिनियम और चांदी। दोस्तों ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ऊष्मा विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है दोस्तों, यहाँ पर चांदी टिक होगा। चांदी इज द राइट आंसर, इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बात पे, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं कि पृथ्वी की जो भू परपटी है, मैं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है दोस्तों, वह है एल्यूमिनियम। गलत नहीं करेंगे दोस्तों, सीखते जाएंगे। प्रश्न आ गया है नंबर 4, अर्थात सबसे अधिक लचीली एवं पीट कर बढ़ाई जाने योग्य कौन सी धातु है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, माने सोना, सीसा, एल्यूमिनियम और दोस्तों प्रश्न है, आंसर है चांदी। तो जरा सोचिए इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने वाली जो धातु है, उसका आंसर के तौर पे यहाँ पर होगा दोस्तों सोना। दोस्तों सोना इज द राइट आंसर इस प्रश्न में, प्रश्न 4 हो चुका है। बढ़ते हैं अगली बात पे, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रहे हैं, सोना, सीसा, एल्यूमिनियम और ऑप्शन दिया है दोस्तों चांदी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऊष्मा का जो न्यूनतम संचालक जो हम करेंगे वह सीसा होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर प्रश्न अगला आता है नंबर 6, लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, हेमेटाइट, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत और चूने का पत्थर। तो दोस्तों ऑप्शन काफी अच्छा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। बिल्कुल सही बात, हेमेटाइट इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि अगर हम मोनोजाइट रेत की बात करेंगे प्यारे से साथियों, उससे थोरियम प्राप्त होता है, ठीक बात। और पिच ब्लेंड की बात करेंगे तो पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब हम प्रश्न लेके आ रहे हैं नंबर 7 पे, साधारणतया
पारा तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है ये, अर्थात उच्च विशिष्ट ऊष्मा, अगला है उच्च द्रवता, अगला ऑप्शन है उच्च संचालन शक्ति और अगला है उच्च घनत्व। तो प्यारे दोस्तों दिमाग लगाइए और सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें उच्च संचालन शक्ति वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, उच्च संचालन शक्ति वाला जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पारे का जो साधारणतया तापमापी यंत्रों में जो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसमें सबसे विशेष बात दोस्तों यह है, इसका ऊष्मीय प्रसार की जो दर है वह उच्च होती है, हाई होती है। जब इसे तापमापी यंत्रों में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तब यह तापमान में होने वाले कम से कम परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। और बात कर रहे हैं प्यारे से दोस्तों, पारे की बात कर रहे हैं, इसका जो क्वथनांक है दोस्तों वह लगभग 356.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि तापमापी में मुख्य रूप से हम इसका प्रयोग माने पारे का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों मुख्य वजह यह है कि पारा जो है, प्यारे साथियों सावधानी से सुनते जाइएगा, पारा जो है वह कांच पर नहीं चिपकता है और अधिक बाष्पशील नहीं है, इस कारण से दोस्तों यह ताप को माने टेम्परेचर को बड़ी शुद्धता के साथ अंकित कर लेता है, एक बात। और अगली बात, अगर मैंने अभी आपको बताया था इसकी ऊष्मीय चालकता जो है उच्च होती है, इसीलिए यह शीघ्र ही तापमान को अंकित कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों यह अपारदर्शी और चमकदार होता है, इसीलिए अंकित ताप का जो पठन है वह सुविधाजनक पूरा हो जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन तक हमने बात क्लेरिफाई कर ली है, प्रश्न अगला आ चुका है। निम्न में से वह कौन सा द्रव है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है? दोस्तों सावधानी से ध्यान से सुनेंगे, कौन सा द्रव है जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। दोस्तों पारा होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है ना। हालांकि धातुओं की दोस्तों बात करेंगे वह अधिकांशतया ठोस ही होती हैं, परंतु दोस्तों पारा जो है एक धातु की कैटेगरी में है और यह द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बात पे। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट बनाए हैं, वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, और प्यारे से साथियों मैंने आप लोगों के लिए पता है वेबसाइट भी बनाई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माने utkarshvision.blogspot.com एक ऐसी वेबसाइट है, जब आप गूगल पे से टाइप करोगे तो आपको सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ब्लॉग मिल जाएंगे, आप प्लीज पढ़िएगा। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों प्रश्न आ चुका है, नंबर 9 पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, नख, रेशम तंतु, रोम, पिच्छ आदि किसके बने होते हैं? तो प्यारे दोस्तों प्रश्न से ही स्पष्ट है, नख नाखून आदि की बात कर रहे हैं, और जो आपके जानवरों के जो पैर वगैरह होते हैं, जो नख होते हैं उनकी बात भी कर रहे हैं, किसके बने होते हैं? दोस्तों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कैरोटीन और केराटिन, ग्लोब्यूलिन और कैसिन। दोस्तों एक बात कहूँ, वास्तव में तो ये चारों ही प्रोटीन है और इन प्रोटीन का अलग अलग अपना काम है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर क्लेरिफाई कर दूं। दोस्तों तो राइट आंसर होगा दोस्तों केराटिन, ठीक है ना, केराटिन इज द राइट आंसर, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन इज ए प्रोटीन जो कि गाजर में पाई जाती है, केराटिन बालों में, नख में पाई जाती है, नाखूनों में। अगला है दोस्तों ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। और अगली बात अगर करें साथियों तो वो है कैसीन। तो दोस्तों कैसीन की अगर हम बात करें तो कैसीन एक प्रोटीन है जो कि किसमें, दूध में पाई जाती है, और दूध के सफ़ेद होने का कारण प्यारे से साथियों कैसीन ही है, इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आ चुका है नंबर 10, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों लिखा है, यूजिनॉल क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है
तारपीन का तेल, लौंग का तेल, एक रसायन जो बकरी में पाया जाता है, अगला है कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो यूजिनॉल है वह लौंग के तेल में पाया जाने वाला तत्व है। अर्थात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लौंग के तेल में पाया जाता है, यूजिनॉल की बात कर रहे हैं। और प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया है आपसे, और पूछा यह गया है कि जो है लौंग के तेल में ऐसा क्या पाया जाता है जो दांत दर्द को बंद करने में सहायक होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप समझ चुके होंगे कि यूजेनॉल इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये मैंने बात आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी साथियों का, सभी बेटियों को ढेर सारा बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने जो अपनापन दिखाया है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा, और प्लीज दोस्तों आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों आपको पता है प्रतिदिन रात को 9 बजे मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पर, अपने सभी साथियों को बताइए, और जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।